गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। देखिए हमारा क्या चल रहा था, पार्ट फोर चल रहा था, ठीक है। और पार्ट फोर्थ पे क्या था, प्ले। कौन सा करेंगे, ग वाला करेंगे। रेखा खींचकर जोड़े बनाइए। तो इसमें क्या है, ये देखिए मैंने आपकी ये सामने आपके घर रख दी, ठीक है। तो ये हम कैसे मिलाएंगे इसको, ये फर्स्ट नंबर पर है श्रीमान। तो श्रीमान का क्या होगा, श्रीमान का होगा श्रीमती, ठीक है। नायक नायिका, पुत्र पुत्री, लेखक लेखिका, भांजा एंड भांजी, ठीक है। आप इसमें देखिए क्या दे रखा है, कुछ नाम दिए गए हैं, बताइए कौन स्त्री व कौन पुल्लिंग है। तो इसमें क्या करना है हमको, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बतानी है। तो जैसे कि उसके सामने अपने को लिखना पड़ेगा, कैसे लिखना पड़ेगा, ये है गधा, तो गधा क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा पुल्लिंग, क्या हो जाएगा पुल्लिंग। मालिन, तो मालिन हो गई स्त्रीलिंग, ठीक है। लड़की भी स्त्रीलिंग हो गई। भाई हमको ये पढ़ना है और बताना है कि कौन स्त्री है, लिंग है, कौन पुल्लिंग है। धोबी, धोबी हो जाएगा पुल्लिंग। देन पिताजी, पिताजी हो जाएंगे इस, सॉरी पिताजी भी हमारे पुल्लिंग में आएंगे, ठीक। नृत्यकी, नृत्यकी ये क्या है, नृत्य करने वाली नृत्यकी, तो स्त्रीलिंग में आएगी। गुड़िया, गुड़िया नाम है ना, तो स्त्रीलिंग आएगा। डाकिया पुल्लिंग, ठीक है। चाची, चाची जी, चाची जी किसमें आएंगी, स्त्रीलिंग में, ठीक है। आप देखिए शब्द, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए, क्या करना है, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करने हैं। तो मोती बहुत चमक रहा है, तो ये हमारे इधर ये ब्रैकेट में दे रखे हैं, इसमें से हमको छांट के इधर हमको लिख रहे हैं। तो आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं, मोती बहुत चमक रहा है, तो ये वाला रहा, तो यहां आएगा रहा है। उस आदमी ने खाना खाया, क्या आएगा, खाया। मैंने केक पर मोमबत्ती लगाया या लगाई, लगाई लगाई। सिंह अपने बच्चों का पालन पोषण करता है या करती है। सिंह कौन है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, पुल्लिंग है तो करता है। सिंह अपने बच्चों का पालन पोषण करता है। मेरी सहेली बहुत अच्छा गाता है या गाती है, गाती है, ओके। तो ये देखिए मैंने आपको बताया, आपको बोर्ड पे समझ में आया नहीं आया जो मैंने आपको कराया था।
ये देख लीजिए, फिर ऐसे ही छ वाला मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। कौन सा? छ से छत्तर, छ से चम्मच वाला करेंगे। ई जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बनाइए और लिखिए, उदाहरण देखिए। जैसे कि चाचा, ची, ई आएगी ना इसमें। जैसे कि हम मात्रा लगा देंगे तो आ जाएगी चा ची, मामा, मामी, मम्मी नहीं मामी, बकरा, बकरी, पोता, पोती। ई की ही मात्रा हमको इसमें सब में लगा रही है तो वो अपने आप ही लिंग चेंज होता चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए छ से छतरी वाला क्या कह रहा है, क्रिया शब्द से लिंग का अनुमान लगाकर सही शब्द से रिक्त स्थान भरिए। तो लिंग का अनुमान लगाना है और ये हमारे जो ब्रैकेट में वो दे रखे हैं उससे हमें सही शब्द का भरना है, ठीक है। जैसे जी पढ़ रही है, माता पिता जी पढ़ने, इसमें क्या दे रखा है, जी पढ़ रही है तो क्या लगाएंगे, माता जी पढ़ रही हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, लिखेंगे माता जी पढ़ रही हैं। बिल से बाहर गया, क्या गया, चूहा बिल से बाहर गया या चूहिया बिल से बाहर गई, बाहर गई नहीं गया, आया। तो चूहा बिल से बाहर आया, ठीक है। पेड़ की डाल पर आ बैठी चिड़िया या कीड़ा, पेड़ की डाल पर चिड़िया चिड़िया आ बैठी। पौधे उखाड़ रहा था, पौधे बंदर या बंदरिया पौधे उखाड़ रहा था, नो गलत है। तो क्या लिखेंगे, बंदर पौधे उखाड़ रहा था। इसमें है सही जोड़े बनाइए, कैसे बनाना है सही जोड़े, बहन भाई, पड़ोसी पड़ोसन, बुद्धिमान, पिता माता, लड़की लड़का, दादा दादी, ठीक है। इसमें इस तरीके से देखिए लिंग भी चेंज होएगा, बहन का भाई, पड़ोसी पड़ोसन, ठीक है, पिता माता, लड़की लड़का, ठीक है, भैंस बैल, दादा दादी, भतीजी भतीजा, ठीक है। इस तरीके बुद्धिमान का बुद्धिमानी, बुद्धिमानी, ठीक है, ये हो गया हमारे इस तरीके से। तो देखिए क्या कर रहा था कि मैं आपको अभी छ से
ग वाला मैंने आपको बताया और घ से घर वाला भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब उसके बाद में देखिए क्या करना है, अड़ा वाला ये आप अपनी बुक में सब भरते चले जाइएगा तो फिर नंबर वाइज जान के एक एक इसका क्या आएगा रहा है, ठीक है। नंबर दो खाया, ठीक है। नंबर थ्री लगाई, नंबर फोर करता है, नंबर फाइव मेरी सहेली बहुत अच्छा गाती है, ठीक है। ये हो गए हमारे कंप्लीट। अब ये तो हमारे थे उड़ा वाले, फिर इसके बाद में च, च का क्या आएगा, फर्स्ट वाले में आएगा चाची, सेकंड में आएगा मामी, थर्ड में आएगा बकरी, फोर में आएगा पोती। सिर्फ ये क्या करना है आपको भरने में, कुछ भी नहीं करना, जो आपकी बुक में खाली जगह है उसमें ये आपको आंसर आंसर लिखने लिखवा दी, जो अपने आप लोग भरते चले जाइएगा, ठीक है। फर्स्ट में आएगा माता, सेकंड में आएगा चूहा, थर्ड में आएगा चिड़िया, और फोर्थ में आएगा बंदर, ठीक है। ये हो गया हमारे इस तरीके से, तो ये कंप्लीट हो गया हमारा। और ये वाला देख लीजिए आप, ज से जग वाला आपको खुद करना है ना कि मैं कराऊंगी। ये तो बहुत ही आसान है, ये वाला सही जोड़े बनाइए, तो बहन भाई, पड़ोसी पड़ोसन, बुद्धिमान बुद्धिमान बुद्धिमानी, पिता माता, लड़की लड़का, भैंस बैल, दादा दादी, भतीजी भतीजा, इस तरीके से ये हो जाएगा हमारा पूरा कंप्लीट, ठीक है। तो इसके बाद में क्या दे रखा है कि अपनी कॉपी का, अपनी कॉपी पर एक ऐसा चित्र बनाइए जिसमें स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग दोनों ही हों और उनके बारे में चित्र के नीचे लिखें। क्या बनाना है, चित्र बनाना है एक कॉपी पर, तो उसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों होने चाहिए, फिर उनके बारे में आपको भाई ये नहीं कि जेंट्स और लेडीज, नहीं कुछ भी बना सकते हैं चित्र में, जैसे कि जूता पुल्लिंग होता है तो जूता बना लो, चिड़िया बना लो, तोता बना लो, पक्षी पशु कोई भी जानवर कोई भी वस्तु कुछ भी आप बना सकते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा कंप्लीट, ओके। फिर उसके बाद में क्या करना है, फिर नेक्स्ट हमारा चलेगा कल, ओके। तो ठीक है, आगे फिर हम पढ़ेंगे वचन, तो वचन मैं आपको कल पढ़ाऊंगी। वचन हमारे कौन से होते हैं, एक वचन होता है और बहुवचन होता है, ठीक है। दो ही प्रकार के वचन होते हैं, जैसे कि संज्ञा के जिस रूप से एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। बस चलिए, ओके बाय, टेक केयर।